नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी यूनिक मशीन जिस मशीन के थ्रू आप पशु आहार बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन किस प्रकार की है। पूरी मशीन का मैं डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कैसे मशीन काम करती है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं मशीन किस प्रकार की है। दोस्तों, यहाँ पर ये मटेरियल आप देख पा रहे होंगे जिसे मक्का कहते हैं, ये मक्का है। और इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट पशु आहार बना सकते हैं। लाइक जैसे कि आप अगर चाहें तो बकरी के लिए, भेड़ के लिए या भैंसों के लिए भी आप यहां पर आहार बना सकते हैं। अब इस मशीन के अंदर हम पहला जो स्टेप आता है वो ये आता है, यहां पर आपको मटेरियल ऐड कर देना है। इसे आप कंप्लीटली भर देंगे और यहां से ये कन्वेयर के थ्रू, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस कन्वेयर के थ्रू ये पूरा जो माल है वो इस मशीन के थ्रू यहां पर निकलेगा और यहां से इस होपर में ऐड होगा। होपर में आने के बाद दोस्तों, सेकंड स्टेप में क्या आता है, यहाँ पर आपका जो माल है वो ग्राइंडिंग होता है। ग्राइंडिंग होने के बाद वो इस होपर में गिरता है। और यहाँ पर दोस्तों, ये माल होने के बाद थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मटेरियल किस प्रकार का बनता है। इस तरीके से ग्राइंडिंग हो जाता है और ग्राइंडिंग होने के बाद वो मटेरियल इसमें आ जाता है। अभी दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड स्टेप जब कम्प्लीट होता है तो थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ से वो पूरा जो मटेरियल है वो कन्वेयर के थ्रू यहाँ पर जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये मिक्सर मशीन में ऐड हो जाता है। अभी दोस्तों, जैसे मिक्सर मशीन की बात करें तो मिक्सर मशीन में ऐड होने के बाद वो कंप्लीट मटेरियल जो कि आप बनाना चाहते हैं पशु आहार के लिए, वो यहाँ पर मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होने के बाद वन बाय वन वो सारा का सारा जो माल है वो मिक्सिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का मटेरियल यहाँ पर आ जाता है, राइट। और वो मटेरियल यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कन्वेयर के थ्रू वो माल अगेन यहाँ से यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आने के बाद जिसे इस मशीन में गिराया जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो मटेरियल गिरता है और गिरने के बाद यहाँ से वो कैटल फीड का जो पैलेट बनता है वो यहाँ पर बनने लगता है। तो दोस्तों, ये मशीन के अंदर ये सारी प्रोसेस है जिसे हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे पशु आहार बनाया जाता है ताकि आपको परफेक्ट आइडिया आए। तो चलिए दोस्तों, मशीन को चालू करते हैं और वन बाय वन पूरा एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं प्रोडक्शन का पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन देखने, किस तरीके से पशु आहार बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मटेरियल हमने आपको दिखाया था वो मटेरियल हम वन बाय वन यहाँ डालने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कैसे ये कन्वेयर मशीन पूरे माल को खींचती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्पीड से इसको भर दीजिए तो आप देखेंगे कि मशीन इतनी पावरफुल है कि सारा का सारा मटेरियल ऑटोमेटिकली खींच लेती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा ये टैंक को भर दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा का पूरा मटेरियल ये मशीन खींचती जा रही है। अभी दोस्तों, मैं थोड़ी देर में आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मटेरियल यहाँ से जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा जो मटेरियल है यहाँ पर इस तरीके से निकल कर यहाँ पर जाता है। दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रोडक्शन निकल चुका है, यहाँ पर प्रोडक्शन निकाला जा रहा है और यहाँ पर ग्राइंडिंग प्रोसेस अभी चालू है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों, आसानी से ये मशीन किसी भी मटेरियल को यहाँ पर ग्राइंडिंग कर देता है और जैसा ग्राइंडिंग होता जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा मटेरियल ऐड होता है और कन्वेयर के थ्रू वो आगे जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चालू है कन्वेयर का जो मटेरियल खींचने का प्रोसेस है। दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये मटेरियल अभी ऐड हो रहा है और यहाँ से मशीन इसे खींचती जा रही है। सो दोस्तों, अभी हम पूरा एक प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर कैटल फीड पैलेट बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो मशीन है ये है मिक्सर मशीन। जैसे जैसे यहाँ पर जो मटेरियल आप डालेंगे वो यहाँ पर मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे इसे होपर कहते हैं, जो पूरा मिक्सिंग मटेरियल है वो यहाँ पर उतरेगा और इस तरीके से पूरा होपर भर जाएगा, राइट। और दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ें होती होती कन्वेयर के थ्रू यहाँ पर आएगा, राइट। और जिस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर अभी कन्वेयर चालू है और यहाँ पर आप देखेंगे वन बाय वन मटेरियल यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से मटेरियल ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों, हम कैटल फीड मशीन को हम चालू कर रहे हैं तो इसके आप स्पीड देखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी पैलेट्स बन रही है और जिस तरीके की आप स्पीड देख रहे हैं दोस्तों, ये एक घंटे में 500 केजी तक का प्रोडक्शन निकालने की कैपेसिटी रखता है। और दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जहाँ पर आप पशु आहार बना सकते हैं और आपका जो भी एनिमल है वो ये मशीन का आहार खाएगा तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी
उसका हेल्थ बनेगा। दोस्तों ये है वन ऑफ द बेस्ट मशीन जहां पर आप आपके हिसाब से पैलेट्स बना सकते हैं जो कि आप आपके डिफरेंट डिफरेंट जानवरों को खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि ये मशीन का क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ ये मशीन काम में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो सिग्माटेक के इंजीनियर हैं उनका स्वागत करूँगा और उन्हीं से हम समझेंगे कि दोस्तों किस प्रकार की ये मशीन है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन इस मशीन के थ्रू अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। सर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर जी। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये मशीन क्या है, कहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है और इस मशीन से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये जो हमारी जो सिग्माटेक इंजीनियरिंग का जो कैटल फीड पैलेट जो मशीन है वो आप लघु उद्योग में आप डाल सकते हो, यानी कि इसमें पढ़ाई लिखा की ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि कोई भी आदमी, यानी कि जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो ये मशीन परचेस करके अपना ये बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये मशीन जो है, ये वाला जो मशीन है, जो गाय भैंस जो घोड़े वगैरह होता है, यानी कि बकरा वगैरह जो होता है, यानी कि जो जो फार्मर लोग जो होते हैं, यानी कि घर पे भी थोड़ा थोड़ा वो पशु लोग रखते हैं, तो उनको पैलेट बना बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इतनी जाइंट इतनी बड़ी मशीन है, तो इसके लिए किस प्रकार के लोग इस मशीन को बाय करें और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। इसमें क्या है कि कोई लोग अपना ऑटोमेटिक प्लांट बनाना चाहता है, यानी कि ऑटोमेटिक में क्या है कि लेबर कम लगे, यानी कि जो अपने पास जो ग्राइंडिंग मशीन है, जो स्क्रू कन्वेयर है, यानी कि जो मिक्सर मशीन। थोड़ा सा मशीन अगर आप नज़दीक से दिखाते हैं हमारे व्यूवर्स को और अच्छी तरह से आइडिया है। दोस्तों चलिए आप ही के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को वन बाय वन हम समझते हैं, तो यहाँ पर हमें सर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो स्क्रू कन्वेयर है, यानी कि जो ग्राइंडिंग मशीन में क्या है कि कोई आदमी ऊपर उचक कर डाल नहीं सकता है, तो इसलिए हमने वो जो जो आदमी वगैरह जो होता है तो बैठ के अपना यहाँ से धान वगैरह वो डाल सकता है, यानी कि जो उसको ग्राइंडिंग करना है वो यहाँ पर रेसिपी उसी हिसाब से वो डाल सकता है। यानी कि ये वाला जो मशीन है, ये वाला ये ग्राइंडिंग मशीन है, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन में से ग्राइंड होता है और पाउडर गिरता है, तो उसके लिए जो यहाँ पाउडर इकट्ठा हुआ तो उसी के मार्फत वो डायरेक्ट मिक्सर में जाता है स्क्रू कन्वर से। okay. और मिक्सर में जाके अपना जो सारा पाउडर इसमें गिरेगा और इसी में जो मिक्सर में जो है, यानी कि जो जो सारा पाउडर जो आया, जो पाउडर जो सारा आया उसी में आपका जो केमिकल वगैरह, यानी कि जो गुड़ का पानी है, वो जो खाने वाला तेल है, यानी कि जो अंदर बाइंडिंग करने के लिए वो जो लिक्विड आता है कैल्सिकम एंड मोनालिसिस जो आता है वो आप डाल के, यानी कि मजबूत पकड़ जो पैलेट मजबूत बनाने के लिए वो सारा केमिकल आप सैंपल दिखाइए हमारे व्यूअर्स को ताकि उन्हें परफेक्ट आइडिया आए कि दोस्तों किस प्रकार की पैलेट होती है, उसमें जो मजबूताई की बात कर रहा हूँ किस तरीके की होनी चाहिए। ये जो बाइंडिंग किया हुआ है, ये बाइंडिंग करने के लिए सारा जो ऑयल वगैरह गुड़ का पानी वगैरह डालना पड़ता है, बरोबर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक रेसिपी से पैलेट बन जाएगा, यानी कि अपना जो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप रेसिपी जो इकट्ठी करके आप उसी हिसाब से डाल सकते हो। और दूसरा नंबर है कि जो जो पशु होता है उसको ऐसा नहीं कि एक ही आप पैलेट बना के खिला सकते हो। कोई लोग जो मार्केट में ड्राई जो पैलेट होता है वो भी खिलाते हैं, यानी कि जो भिगो के भी खिलाते हैं, तो ऐसे दो टाइप की पैलेट बना सकता है। लेकिन इसके लिए कौन सी रेसिपी चाहिए वो डॉक्टर के पास, जो पशुओं का जो डॉक्टर जो होता है वो आपको बताता होता है। यानी कि सर मशीन एक ही है और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम यहाँ पर आहार बना सकते हैं अलग अलग जानवरों के लिए। जस्ट दोस्तों आपको आपके डॉक्टर के साथ एक कंसर्न करना होगा, उनसे समझना पड़ेगा कौन से जानवर को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या विटामिन्स चाहिए, वो उसके हिसाब से आपको फूड गाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ये मशीन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आप फूड वगैरह बना पाएंगे आहार के तौर पर। अच्छा सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मशीन है ये गांव के लोग क्या इसका बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि कैटल, यानी कि अब पहले जैसा सर्जी नहीं रहा है, अब जो डिजिटल युग हो गया है, अब लोग मार्केट में अब जो जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी ज़्यादा तक समझते हैं कि अब खुद का खुद बिजनेस करे। अपना 5-6-10 भैंसा है तो पैलेट बाहर से लाते तो कितनी महंगी पड़ती है उनको समझ में है, और क्या है कि वो जो पैलेट बनाने में उनको पहले से आइडिया होता है कि इतना में अपने पास है
इतना इतना मटेरियल मेरे पास है, अगर मेरे खेत में होता है तो वो लोग क्या है कि इसका जो सारा रेसिपी करके अपना पैलेट बनाता है, अपनी गाय भैंस के लिए भी बनाते हैं और नियर बाय इनके रिलेटिव यानी कि गांव वगैरह में रिलेशन जैसा ही होता है, गांव यानी कि रिलेशन जैसा ही होता है। तो क्या है कि एक बिजनेस लगा के अपने गांव को भी वो सारा पैलेट वो देता है, और दूसरा नंबर कि अपना मार्केटिंग नियर बाय में होता ही है तो उसके पास वो पैलेट इस तरह से वो सेल करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाता है कि आप एक ही मशीन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पशु आहार बना सकते हैं और उसे मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपके इर्द गिर्द भी आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जहाँ पर आपने सारी जानकारी ली। अगर आपका भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हमारी जो टीम है आपकी हेल्प करे। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी प्रकार का क्वेरी है ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। दोस्तों अभी हम कुछ कस्टमर क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मशीन लगाना चाह रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्रोडक्शन क्या मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहले प्रोडक्शन जानते हैं, आगे के क्वेश्चन में कवर करूंगा। सर जी इसमें क्या है कि ये जो हमारा जो कैटल फीड मशीन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप डाई वगैरह लगा सकते हो कि 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm के 8 mm जो भी लगाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से डाई के अनुसार वो प्रोडक्शन निकलता है। अभी जो हमने जो डाई लगाया हुआ है वो 6 mm की है, यानी कि जो आपका जो प्रोडक्शन पर आवर 600 से 700 kg पर आवर कैपेसिटी का ये मशीन है। हाँ, अगर आपको 8 mm की अगर डाई लगा सकते हो, अगर आप 8 mm की डाई लगाना चाहते हो तो उसमें प्रोडक्शन रहेगा 900 के पार, यानी कि हाँ यानी कि 950 यानी कि 1000 kg मान के चलो। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो पर केजी आपका ये कितना कॉस्टिंग जाता है एक कैटल फीड? सर जी रेसिपी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो 100 रुपये वाली भी डिश मिलती है, 300 वाली भी मिलती है, 600 वाली भी मिलती है और 5000 वाली भी मिलती है। ठीक है, तो वैसा इस पैलेट में है कि आप क्या क्या चीज़ अगर अंदर रेसिपी में डालते हो। अगर आप कोई लोकल ऑयल यानी कि वो जो फेंक देने वाला तेल यूज़ करते हैं पैलेट में तो आपका कॉस्टिंग नीचे जाएगा। कोई सिंग तेल यूज़ करते हैं मूंगफली का तेल तो फिर आपका कॉस्टिंग उसी हिसाब से जाएगा। यानी कि जो रेसिपी आप बनाते हो, यानी कि आप घर पे 20 रुपये वाली भी रेसिपी बनाते हो तो मार्केट में 50-60 रुपये में चलती है जो लोग घर में खरीदते हैं पैलेट। अगर आप रेसिपी अच्छी बनाओगे 60-70 वाली तो उसी हिसाब से गाय भैंस घोड़ा वगैरह को उसी हिसाब से प्रोटीन वगैरह मिलता है। तो सर ये तो सर ने बताया कि किस प्रकार से जैसा आपका आहार होगा वैसा आपका कॉस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना होता है, ये मशीन इलेक्ट्रिक कितना खाती है? सर इलेक्ट्रिक की बात करें तो सर पर आवर आपका 8 से 9 यूनिट बिजली का बिल आएगा। 8 से 9 यूनिट का। ये पूरा प्लांट की आप बात कर रहे हैं कि पूरा प्लांट हाँ, 8 से 9 यूनिट बिजली का बिल आएगा। अच्छा सर जी, अगर जैसे इंडिया में किसी और अगर प्लेस से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कोलकाता से देख रहा है या कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है, अगर कोई साउथ से देख रहा है, तो सर अगर उनको ये मशीन अगर लेना है तो दैट विल बी पॉसिबल कि आप वहाँ तक भेजते हो? सर हमारे जो यहाँ पर ऑनलाइन जो रिक्वायरमेंट आती रहती है तो लोग अपना जो वीडियो वगैरह देख कर हमें कॉल कर लेते हैं कि हम आ नहीं सकते, हम मशीन मंगवाना चाहते तो कैसे करें, तो हम उसको फ़ोन पे मार्फत यानी कि वीडियो कॉल मार्फत उनको समझाते हैं। और दूसरा नंबर के ये वीडियो जो देखते हैं ना तो उनको 90% समझ में आ ही जाता है कि ये वाला जो चीज़ है लगाने में आसानी है, लेकिन मशीन कैसे चलाएंगे वो कैसे करेंगे वो उनको फ़ोन पे या वीडियो कॉल मार्फत हम समझा देते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे आपके क्वेश्चंस जो मैं चाह रहा था कि कवर करूं। अगर दोस्तों आपका भी कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हमें भी आइडिया आए तो कि हम कस्टमर और जो भी सप्लायर है उनके साथ में आपके एक बॉन्डिंग करें और आपके क्वेश्चन उनकी तरफ रखें। तो दोस्तों आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप देख सकें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।